गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनपी भोक्ता ने रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग का अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया, जिसके बाद उपभोक्ता शिक्षकों ने प्रोफेसर एनपी भोक्ता को माल्यार्पण और बुके भेंट कर उन्हें बधाइयां दी। कार्यभार संभालने के बाद प्रोफेसर एनपी भोक्ता ने कहा कि शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी। प्रोफेसर एनपी भोक्ता के विभागाध्यक्ष बनने के दौरान शिक्षा शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शैलजा सिंह, प्रोफेसर शोभा गौड़, प्रोफेसर उदय सिंह, धर्मवर तिवारी, प्रोफेसर राजवंत राव सहित कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि प्रोफेसर एनपी भोक्ता ने जेएनयू से एमए इतिहास तथा एमफिल एवं पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शुक्ला के निर्देशन में पूर्ण किया। 2 मार्च 1980 में लेक्चरर के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग में ज्वाइन किया। यही रीडर बने तथा वर्तमान में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। प्रोफेसर भोक्ता को विस्तृत प्रशासनिक अनुभव है। वे राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के समन्वयक भी रहे हैं। 2006 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में चयनित होने के बावजूद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही रहने का निर्णय लिया। इन्होंने 12 शोध छात्रों का पीएचडी निर्देशन किया। वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के निर्देशन तथा विभाग से निकलने वाली एईडी जर्नल ऑफ एजुकेशनल स्टडी के मुख्य संपादक भी हैं। उन्होंने शिक्षा से संबंधित 6 किताबों का लेखन एवं संपादन कार्य किया है। इनके शोध कार्य का इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं एवं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अनेक बार उल्लेख किया गया है। अरे पुराने डीन का भी ले लेना सलामी जारी है सवेरे आइए बात में बताऊँ। विश्वविद्यालय में मेरे सबसे निकटतम पड़ोसी जो हैं नेटिव मैडम परम सहयोगी है ये और डॉक्टर उदय सिंह जी मैंने धन्यवाद विश्वविद्यालय में एकदम मैं घटना बताऊं हम तीनों के सुनने का तत्कालीन जो महामंत्री थे उनके नाम के टिकट पर उनके नाम के पास हो गया था अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग अधिष्ठाता शिक्षा संकाय हमारे सहयोगी हैं, सात सहयोगी वर्तमान में हैं और सात संभवतः माननीय कुलपति के परिश्रम से और मैडम के सहयोग से प्रोफेसर शैलजा सिंह के सहयोग से कल नए सात सहयोगी हमें मिल सकते हैं। मुझे लगता है हम 14-15 लोग विभाग की सारी चुनौतियों को एक टीम के रूप में निभा पाएंगे और जो दो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हमारे दिशाता हैं प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर सुमित्रा सिंह इनका
मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहेगा इन सब से जो तथाकथित रूप से रिटायर हुए हैं, रिटायर हुए नहीं है ना, वो थके हैं, टायर्ड हैं ना रिटायर्ड हैं, वो लगातार हमारी बात को सहयोग देंगे। और जो नए लोग आ रहे हैं तो वो पुरानी ऊर्जा और नई ऊर्जा दोनों के समन्वय से विभाग का विकास होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसा अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये विभाग विश्वविद्यालय का सबसे पुराना विभाग है और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है। हम लोग अध्ययन, शोध एवं प्रसार तीनों कार्यों में चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में हम नेतृत्व फिर से प्रदान कर सकें, यह विभाग आगे बढ़ करके सारा कार्य ये प्रयास किया जाएगा लगातार। शिक्षा में गुणवत्ता और इसके दो पक्ष हैं, एक तो यह कि अध्यापक परिश्रम के साथ पढ़ाएं, पहले तैयारी करें और तब जाकर के कक्षा लें, दूसरा छात्र पर सीखें। हम लोग दोनों ही फ्रंट पर प्रयास करेंगे कि अध्यापक पढ़ाए और छात्र पढ़ने आए और पढ़े, इन दोनों को अगर हम लोग करने में सफल हुए तो गुणवत्ता निश्चित रूप से ऊपर है और ऊपर।